सक्ती जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन कर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इस मैराथन दौड़ में जिला कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना, एसपी एमआर अहिरे के साथ ही अधिकारी कर्मचारी और स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। इसके अलावा स्थानीय दीनदयाल स्टेडियम में छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता पर आधारित नृत्य नाटक की प्रस्तुति दी, साथ ही रंगोली बनाई और एक पंक्ति में खड़े होकर भारत का नक्शा बनाया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के बारे में नूपुर राशि पन्ना ने कहा कि जिला स्तरीय स्वीप कार्यक्रम विशेष रूप से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया। जिला स्तरीय स्वीप मैराथन रखा गया जो बेसिकली हमने मतदाता जागरूकता के लिए किया गया है। हम विशेषकर ये कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा यह आयोजन जो 18 और 18 वर्ष से अधिक हैं उनके लिए रखा गया है और यहाँ पर बढ़ चढ़ करके सभी ग्रामीण और शहरी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें लोगों की जागरूकता के लिए हमने सभी श्रेणियों को देखा है। इसमें नवविवाहित जो आए हैं, नई बहुओं को हमने सम्मानित किया है, साथ ही हमारे दिव्यांगजन हैं वो लोग भी आज हमारे मैराथन दौड़ में शामिल हुए हैं, उनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा जागरूकता दिखाई गई है। साथ ही साथ हमारे पास जो थर्ड जेंडर के जो वोटर्स हैं उनको भी हमने सम्मानित किया है, 18+ जो है उनको सम्मानित किया है और सभी को एक साथ मिल जुड़ करके हमने स्वीप के माध्यम से वोटिंग के लिए प्रेरित किया है। इस मैराथन दौड़ में तृतीय लिंग वर्ग के लोग भी शामिल हुए। इस बारे में अफसरा जायसवाल ने बताया कि लोगों को राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करना चाहिए और मेरे समुदाय के अन्य लोगों को भी बोलना चाहती हूं कि वो भी अपने मतलब आगे आकर इस मतदाता कार्यक्रम में हिस्सा लेवें और उनके अन्य साथियों को भी बढ़िया मतलब बेझिझक मतदान करने को सलाह दे, ना किसी के बहकावा में आए, ना ही शराब, ना ही मतलब पैसा लेकर वोट डालने के बहकावा में आए। यही मैं जागरूकता अन्य समुदाय को भी देना चाहती हूँ, हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय को ही नहीं, इस भीड़ कार्यक्रम में सभी लोग जन हैं उनको भी मैं यही आशा करती हूँ कि वो भी बेझिझक आकर हम सभी को उत्साहवर्धक करें और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेवें। इस कार्यक्रम में कलेक्टर और एसपी ने नवविवाहित महिलाओं, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय वर्ग समुदाय के लोगों को श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम स्थल पर स्वीप मेला भी लगाया गया था।